नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप जो है राशन कार्ड मोबाइल फोन से किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका भी राशन कार्ड खो गया है या फिर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप अपने मोबाइल फोन से ही अपने राशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं तो प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं मेरा राशन 2.0। इसे जो है हमें यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है सो so दोस्तों आपको यहाँ राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए कुछ भी नहीं लगता है आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जो है के आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है तभी जो है आप अपने राशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं तेरा तो राशन 2.0 एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है हम इसे जो है ओपन करेंगे जैसे इसे ओपन करते हैं कुछ परमिशन मांगता है इसे अलाउ कर देंगे इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों ये हमें जो है लॉगिन पेज पर लेकर चला जाता है यहाँ पर सबसे पहले तो हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करेंगे सबसे पहले हमें यहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर अपना जो है आधार नंबर जो है हम फिल कर देंगे इसके बाद यहाँ पर इस वाले कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देंगे देन लॉग इन विथ ओ पर क्लिक कर देंगे जैसे ही आप लॉग इन विथ ओ पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर जो है एक ओ आएगा हम इसे ओके okay करते हैं और उस ओ को जो है हम यहां पर फिल कर देते हैं ओ जैसा भी है आप इसके बाद डालने के बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे हमारा ओ जो है वेरीफाई हो चुका है इसके बाद हम इसे ओके okay कर देंगे तो हमारे सामने देख सकते हैं इस तरीके से एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है आप यहाँ पर अगर चाहें तो अपना एम पिन सेट कर से ते हैं ताकि आप जब भी इस ऐप पर आए तो बार बार आपको इस तरीके से अपना आधार नंबर डाल के लॉग ना करना पड़े आप डायरेक्ट ही चार नंबर का एम पिन डाल करके लॉग इन कर सकते हैं लेकिन हम जो है इसे स्किप कर देंगे इसके बाद हम जो है इसे यहाँ पर जो है कुछ परमिशन मांगता है हम सबको जो है अलाउ कर देंगे इसके बाद हम इसे स्किप कर देंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाता है आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस है यहाँ पर हमारा राशन नंबर भी जो है देखने को मिलता है आपको यहाँ पर सब कुछ ही देखने को मिल जाता है इसमें जिसका भी नाम है वो नाम आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से आपका जो भी हेड ऑफ फैमिली का नाम है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप अपने राशन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एक डाउनलोड का बटन दिया गया है आप इस पर सीधे ही क्लिक करेंगे और आप अपने राशन कार्ड को जो है डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में हम यहाँ से पीडीएफ वर्क को जो है देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने इस तरीके से हमारा राशन कार्ड जो है खुल के आ जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारे फैमिली में मतलब हमारे राशन कार्ड में जितने भी नाम है वो यहाँ पर नीचे शो हो जाता है आप चाहें तो इसे अपने फोन पर ही ले राशन की दुकान में मतलब जहाँ पर भी आपको राशन मिलता है वहां पर दिखाएंगे तो उससे भी जो है आपको राशन मिल जाएगा सो दोस्तों राशन का एक नियम मैं आपको अब बता दूँ जरूरी नहीं है कि आपको राशन सिर्फ और सिर्फ वहीं से मिले आप अगर कहीं भी बाहर हैं तो आप अपना राशन जो है कहीं बाहर के डिस्ट्रीब्यूटर से मतलब बाहर के सोसाइटी से भी जाके आप ले सकते हैं यह नियम जो है आ चुका है दोस्तों अगर आपका राशन कार्ड खो गया है तो आप इसे प्रिंट कर लीजिए और रख लीजिए इसे यूज कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक से चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम